हेलो स्टूडेंट, आप लोग देखें एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन नंबर 13 है। द्विपद प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्या लिखा है, दिखाइए कि 9n+1 -8n-9 64 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। n एक क्या है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। अभी बात समझ में, एन क्या है, वो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये दिखाना है 64 से डिवाइड करता है। तभी देखिए चैप्टर नंबर 4 है गणितीय आगमन सिद्धांत, लेकिन उसको अभी इस साल नहीं पढ़ाना है। इस सिद्धांत से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एन की जगह पे हम अगर 1 रख देते हैं तो इसका वैल्यू 64 आएगा, और 64 से 64 क्या होता है, विभाज्य होता है, उससे डिवाइडेशन हो जाता है, उसका डिविजिबल है। तो क्या लिखें यहाँ पे, देखिए ये समझाने के लिए है, इसका मेथड हम द्विपद प्रमेय से बताएंगे। लिखा है 9n+1 -8n-9 हो गया, एन इक्वल टू 1 रखने पर, चलिए एन की जगह पे 1 रख दो, तो ये क्या हो गया, 9 1+1 -8 × 1 -9। क्या किया है, जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। यहाँ देखिए 9 पे पावर 2 माइनस ये हुआ 8 - 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 माइनस ये हुआ 17 हो गया। अब इसको हम माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये देखिए 11 में से 7 घटेगा 4, और यहाँ बचेगा 7, 1 गया 6 हो गया 64। तो 64 से विभाज्य है कि नहीं है, 64/64 कट गया, 1 आया कि नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 64 आई है, 64 से विभाज्य है। ओके, लेकिन हमको इस मेथड का यूज नहीं करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आए आपको इस तरह से दिखे 7 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, कोई इस तरह का टर्म दिया हो, तो क्या करेंगे, एन की जगह पे पहला काम है एन की जगह पे 1 रखने पर। तो थोड़ा सा कहीं देख लीजिए, गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या, गणितीय आगमन सिद्धांत कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे ये दिया हुआ है, तो पहला काम कहते हैं कि n इक्वल टू 1 रखने पर, आप n बराबर 1 के लिए ये सत्य है तो 2 के लिए भी सत्य होगा, 2 भी रखेंगे तब भी 64 से डिवाइड होगा, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाइड होगा। ओके, तो n इक्वल टू 1, फिर क्या लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में एन इक्वल टू के रखने पर, तो एन अब के की जगह पे हम क्या रख दें, के रख दें। और थर्ड स्टेप में होता है एन इक्वल टू के प्लस 1 रखने पर। इसके लिए एन बराबर 1 के लिए सत्य है, एन बराबर के लिए एब्सोल्युटली रहे सब वो सही होगा, फिर एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत है, लेकिन हमको इस मेथड का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसको हम द्विपद प्रमेय से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए सॉल्व, ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 9n+1 -8n-9। इसी को एक्सप्रेशन को हमको प्रूव करना है, कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, ये देखिए ये लेके चलें, क्या लिखा है, 9n+1। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको द्विपद में तोड़ना है। 64 यहाँ दिया है तो 8 हमको चाहिए, तभी ना 64 आएगा। तो इसको तोड़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम तोड़ेंगे कैसे,
यहाँ पे देखिए 1 + 8 पावर कितना n+1 हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, इसको तोड़ दें। हमने तोड़ने का मेथड बताया है, द्विपद पर में क्या होता है, a प्लस बी पे पावर n इक्वल टू nc0 a पे पावर nc1 a पे पावर n-1 b, ऐसे ही डॉट 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 आगे जैसे तोड़ना है। ये फार्मूला बताया कि नहीं बताया, अब इसी फार्मूले का यहाँ हम यूज करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे लिखते हैं, 1 + 8 पावर n+1 इक्वल टू, यहाँ देखिए n की जगह पे क्या लिखा है, n+1 c0 लिख दिया, n+1 c0 इंटू 1। देखिए 1 पे पावर क्या है, n है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1, b की जगह पे 8 और n की जगह पे n+1, ये सब इसमें रख देना है, प्लस n+1 c1 c1 हो गया। अब 1 पे पावर कितना, n-1 इंटू, अब यहाँ 8 का एंट्री हो जाएगा, इंटू 8 प्लस। अब हम तीसरे टर्म पे जा रहे हैं, n+1 c2, यहाँ देखिए 1 पे पावर n-2 इंटू 8 पे पावर कितना 2 प्लस n+1 c3 1 पे पावर कितना n-3 इंटू 8³ डॉट डॉट डॉट, इतने गेम को जरूरत है। अब देखिए यहाँ 1 पे पावर कुछ भी है उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो लिखेंगे n+1 c0 प्लस n+1 c1 8, 1 का कोई मतलब नहीं होता, प्लस n+1 c2 इंटू इंटू, ये देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस यहाँ डॉट 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 कर लीजिए, या एक और लिख लीजिए, n+1 c3 और 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 512 होगा या 64 8, 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 3 हो गया, 8 चक 48 तीन इक्यान 512 हो गया। समझ में, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 पे पावर 3 ही रहने दीजिए, हाँ 8 पे पावर 3 ही रहने दीजिए, यहाँ पे 8 पे पावर 2 ही रहने दीजिए, ताकि हमको बाहर कॉमन लेना पड़े तो आसानी से ले सकें, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ देखिए n+1 c0 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, सही है, 1 होगी। आप जैसे निकालना जानते ही हैं, बताया ही गया है, n+1 c0 हो गया फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n+1 कट गया और 1 आया। ओके, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस, ये क्या होगा, यहाँ पे n+1 upon 1 इंटू 8 हो गया, प्लस यहाँ पे होगा, ये देखिए ये होगा 8 का स्क्वायर कॉमन ले लें, 8 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ से बचेगा क्या, n+1 c2 प्लस n+1 c3 इंटू 8 होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्यों, यहाँ 2 ये पावर 3 है, 2 बाहर है, ये होगा। अब इसको हम लिखेंगे 1 प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 8n+8 हो गया, प्लस 64 ब्रैकेट में n+1 c2 n+1 c3 8+ डॉट 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 हो गया। अब देखिए होगा क्या, अब ये देख रहे हैं ये किसका क्यूब है, 1 + 8 पे पावर n का, तो इसको ऐड कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, 1 + 8 पे पावर n+1। ओके,
तो ये होगा एट एन माइनस प्लस नाइन हो गया वन और एट प्लस 64 इंटू एन प्लस वन सी टू एन प्लस वन सी थ्री एट प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो क्या लिखेंगे, ये देखिए 9 एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इक्वल टू, देखिए ये दोनों टर्म को हमने इधर कर दिया, यही चीज में हमारा है, हमने तो सिर्फ ये लेके चला है इक्वल टू 64 एन प्लस वन सी टू एन प्लस वन सी थ्री एट प्लस डॉट डॉट डॉट। ये देखिए ये 64 है, ये 64 से विभाज्य है कि नहीं है, देखिए 64 से विभाज्य कट जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः इसकी भी ये वैल्यू है, इसकी यही वैल्यू है, तो ये अतः ये 64 से क्या है विभाज्य। आप देखिए यहाँ 64 कॉमन लिया है तो लिखेंगे यहाँ देखिए किसको समीकरण नंबर एक लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या लिखना है समीकरण नंबर तीन, ये 64 का क्या है गुणनफल गुणा हुआ है अतः ये 64 से विभाज्य है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अतः समीकरण समीकरण एक से 64 से क्या है विभाज्य है, विभाज्य है, यही चीज इसमें दिखाना, समीकरण एक से आप देख रहे हैं लिखा है 64 से विभाज्य, जहां समीकरण एक 16 से रहने दीजिए कोई मतलब, समीकरण एक से सिक्स देखने पर या दिखाने पर समीकरण एक से 64 से क्या है समीकरण एक 64 से विभाज्य है, समीकरण एक इससे बढ़िया वर्ड लिख लीजिए, अतः समीकरण एक 64 से क्या है विभाज्य है। आई बात समझ में, इसलिए क्वेश्चन एक लड़का सुबह पूछा था लेकिन हमने बताया नहीं, क्योंकि इसको हमको गणितीय आगमन सिद्धांत बताना था, इसको कैसे तोड़ते हैं ये चीज़ बताना है, टेंस प्रूव्ड हो गया। अब एक क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बाद वाला, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है सिद्ध कीजिए, कि इसको बोलते हैं समेशन या समअप r इक्वल टू जीरो से लेकर के n तक 3 पे पावर एन एन सी आर इक्वल टू 4 पर पावर एन। अब देखिए इसी को हमको क्या दिखाना है, ये शो करना है। अब यहाँ देखें आप क्या समझ रहे हैं इसको, यहाँ पे होगा 3 पे पावर, अब हमको क्या सिद्ध करना है सॉल्व, देखें क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, इसका कैसे होगा, इसका मतलब क्या होता है r इक्वल टू जीरो से n, ओ सॉरी यहाँ r होगा, r है ये, तो r की वैल्यू पहले हम क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, फिर r की वैल्यू वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, कहाँ तक रखना है यहाँ n तक रखना है, ओके तो इसी को एक्सपेंड कर दें, इसी को एक्सपेंड कर देंगे तो कैसे आएगा, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं,
लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन थ्री पे पावर आर एन सी आर हो गया। तो पहला पद आर इक्वल टू क्या रखना है, जीरो रखना है, तो लिख रहे हैं इसको एन सी जीरो। यहाँ देखिए आर की वैल्यू जीरो इंटू थ्री पे पावर जीरो, पहला टर्म हो गया, प्लस एन सी वन थ्री पे पावर वन हो गया, प्लस एन सी टू थ्री पे पावर स्क्वायर, प्लस एन सी थ्री और थ्री पे पावर थ्री डॉट है बीच में, प्लस एन सी फोर और ये हुआ थ्री पे पावर फोर प्लस डॉट 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 एन सी एन थ्री पे पावर एन। देखिए पहले पद में फर्स्ट टर्म में क्या होता है, जो सेकेंड टर्म होता है वो अब्सेंट होता है, तो इसलिए इसे पावर क्या लिख दिया जीरो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम वन पे पावर एन लिख सकते हैं कि नहीं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वन पे पावर एन माइनस वन हो गया, इसलिए ये इंक्लूड है, आई बात समझ में। तो देखिए पहला टर्म क्या होगा इसका, पहला टर्म होगा वन प्लस और दूसरा टर्म है थ्री, देखिए थ्री पे पावर जीरो फिर वन फिर थ्री ए थ्री पे फोर, ये इस तरह से क्या हो गया थ्री जो है वो किस में है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यह इंक्रीजिंग है थ्री पे पावर जीरो थ्री पे वन थ्री पे टू थ्री पे थ्री थ्री पे फोर थ्री पे वन, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सेकेंड टर्म थ्री होगा और फर्स्ट टर्म वन होगा, थ्री पर पावर कितना होगा एन इक्वल टू फोर पे पावर एन, इसका आंसर। समझ में बात आ गई, इतना ही करना है, आप इसको वन प्लस थ्री का एक्सपेंशन करके देख लेंगे तो ये चीज लिखेंगे, ठीक है। अब लिखना हो इसको तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए इसका राइट साइड देखें कैसे करेंगे, राइट साइड वन प्लस थ्री पे पावर एन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा एन सी जीरो और थ्री पे पावर जीरो वन पे पावर वन पे पावर एन इंटू थ्री पे पावर जीरो प्लस एन सी वन थ्री पे पावर एन एन हो गया एन वन पे पावर एन माइनस वन हो गया इंटू थ्री थ्री पे पावर एक होगा प्लस एन सी टू वन पे पावर एन माइनस टू आया हो गया थ्री का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू वन पे पावर एन माइनस थ्री इंटू थ्री पे पावर थ्री डॉट डॉट डॉट। ये देखिए वन की वैल्यू कुछ होती है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ एन सी जीरो थ्री पे पावर जीरो एन सी वन थ्री हो गया प्लस एन सी टू थ्री का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री और थ्री पे पावर थ्री प्लस डॉट डॉट, ये इक्वेशन देखिए और यह देखिए दोनों सेम है कि नहीं, आई बात समझ में। तो इसको हमने क्या लिखा है वन प्लस एन पे पावर पावर एन है तो ये ऐड करेंगे तो फोर हो गया फोर पे पावर एन, ये समीकरण एक और दो को देख लीजिए सेम कंडीशन वाली को लिख सकते हैं इसको समीकरण नंबर एक और दो से, या आपको समझाने के लिए राइट लिखा है वैसे ही आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे, समझ में आया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है 8.1 ख़त्म होता है, अब हम नेक्स्ट डे आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज तो 8.2, उसके बाद से व्यापक पद क्या होता है मध्य पद क्या होता है और इसके बाद से एक्सरसाइज है, ठीक है, कम एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट थैंक यू।